बहनों हमारे जीवनों में कैसा होता है और हम कैसे विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कैसा है जब हमें लोग सभाओं में सौंपते हैं, जब हमें जेलों में डाला जाता है, जब हमारे खिलाफ लोग षड्यंत्र करते हैं, जब हमारे बारे में झूठी गवाहियां करते हैं, झूठी गवाही देके हमें जेल में डाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, हम लोगों को तो रात में नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं अब सुबह क्या होगा मेरे साथ, शायद मुझे मार देंगे, शायद मुझे मार देंगे, शायद कोड़े मारेंगे, शायद फांसी पे लटका देंगे या मेरा सर काट देंगे, यही सोचते रहते हैं कई लोग जब उन्हें कष्ट और दुख आता है लोगों के द्वारा जब परमेश्वर का काम करते रहते हैं। हे भाई और बहनों, आज का वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि पत्रस के विश्वास को देखिए, जब वो जेल में था, संकट में था, सुबह उसकी हत्या होने वाली थी, लेकिन वो गहरी नींद में सोया हुआ था। हे भाई और बहनों, दुख और मुसीबत में जब हमारे बीच में आती है, परमेश्वर के लोगों को जब आके मुसीबतें घेर लेती हैं, जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, जब परमेश्वर के लोगों को फंसाया जाता है, जब परमेश्वर के लोगों को गलियों से मार के बाहर निकाला जाता है, क्या आप भी ये सब जब सहते हो दुख को, क्या आप भी आराम से सो पाते हो पत्रस के जैसा सब कुछ छोड़ छाड़ के? हे भाई और बहनों, पत्रस ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं सिर्फ सुसमाचार ही सुनाऊंगा। कई लोग ऐसे ही विश्वासी होते हैं, जब दुख और तकलीफों में आ जाते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, आइंदा के बाद मैं परमेश्वर का नाम नहीं लूँगा, परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा के बाद मैं कभी भी कोई कलीसिया में नहीं जाऊँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, किसी सभा में नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं लूँगा। कई लोग डर के मारे, कहीं मुझे मार ना दें, कहीं मुझे फांसी पे लटका ना दें, कहीं मुझे जेल पे ना डाला जाए, कहीं लोग मुझे बदनाम ना कर दें करके परमेश्वर का काम डर के, कई लोग मौत के डर से परमेश्वर के काम को छोड़ के पीछे हो चुके हैं। आज परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है और उन सब को अपने पास बुला रहा है। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, पत्रस को एक बार याद करो, जब उसे जेल में डाला गया था, दूसरे दिन उसकी हत्या होने वाली थी, लेकिन वो पत्रस गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे कोई डर नहीं था, उसे किसी की चिंता नहीं थी, उसे सिर्फ आराम कर रहा था। हे भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दुख और कष्ट उठा रहे हैं, तो भाई और बहनों आप भी चिंता मत कीजिए, आप भी डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है करके विश्वास कीजिए। जब कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसा नहीं आया, कोई योजना बना के नहीं आया, किसी को डरा के नहीं आया, वो सबके सामने आया और ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए, जेलें टूट गई, जेलों के दरवाजे भी खुल गए, और जो सिपाही जो वहाँ पे थे उन्हें किसी को दिखाई नहीं दिया, उनके सामने स्वर्गदूत आया और आके पत्रस को उठाया कि पत्रस उठ, मगर पत्रस तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके गहरी नींद में सोया है, और पत्रस को स्वर्गदूत आके उठा रहे हैं, उसकी पसरी के ऊपर मार के, उठ पत्रस, और पत्रस उठता है, पत्रस की जंजीरें जो है अपने आप खुल जाती हैं, पत्रस के जो पैरों में जंजीरें थी वो भी अपने आप खुल गई, पर स्वर्गदूत पत्रस से कह रहा है कि पत्रस चप्पल पहन ले, कमर बांध ले, कपड़े पहन ले, तुझे अभी बहुत काम करना है परमेश्वर का, चल